तो भैया यहाँ से हो गया है अपना काम फाइनल, अब चलते हैं घर की तरफ। प्रोडक्शन तो हो गया है लगभग फ्रेंड्स जय श्री राम। आज चलता हूँ फार्म हाउस पे, आज थोड़ा सा प्रोडक्शन वाला काम है तो मैं सोचा मॉर्निंग में चल के निपटा दूँ, क्योंकि 3-4 घंटे लगते हैं इसमें। थोड़ा सा केमिस्ट वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं वहाँ पे, मतलब प्रिपरेशन चल रही है उनकी और नीचे, लेकिन फाइनल टच थोड़ा सा देखना होता है मुझे कि मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है कैसे है, तो इसलिए थोड़ा सा जाना होता है और प्रोसेस में भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है क्योंकि काफ़ी लेंथी प्रोसेस है प्रोडक्शन का। तो चलते हैं प्रोडक्शन वगैरह भी कराते हैं, शेरू भी वेट कर रहा होगा अपना। फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर जल्दी खाली हो जाऊंगा तो शाम तक वापसी भी हो जाएगी अगर प्रोडक्शन हो जाता है एक बैच का। काफ़ी बड़े बैचेस लेने होते हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है। एक तो आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स में देखे होंगे जो लैब में करता हूँ मैं R&D, वो छोटा बैच होता है 1-2 लीटर का, और ये वाले जो बैच हैं मतलब बड़े बैचेस हैं, ये मिनिमम 500 लीटर से 2,000-2,500 लीटर तक का बैच लेना होता है हमें प्रोडक्शन में। तो पहले R&D होती है, अगर वो थोड़ा सा सक्सेस हो जाता है मतलब डिस्पर्सन नहीं है और काफ़ी चीज़ें जब देख लेता है कॉन्स्टेंट है, उसके बाद फिर फाइनल बड़े बैचेस लेने होते हैं। तो आज बड़ा बैच ही लेना है, चलता हूँ आपको दिखाता हूँ आज का प्रोडक्शन वगैरह थोड़ा बहुत। और दिन भी है आज फ्राइडे, कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो देखते हैं कहीं का। ऐसे तबीयत तो अभी सही हुई है, जब से धूप निकलना स्टार्ट हुआ है थोड़ी तबीयत भी सही हो गई है थोड़ी बहुत। तो चलते हैं अभी, देखते हैं क्या सीन है आगे का। फ्रेंड्स फाइनली हूँ मैं फार्म हाउस पे, शेरू वेट कर रहा है एज यूजुअल। चलो हाँ। ओरे कहाँ गया डंडा, किधर गया डंडा, लो चलो गुड बॉय, चलो पकड़ो शेरू को। जाओ चले फ्रेंड्स, थोड़ा प्रोडक्शन वाला काम हो जाए स्टार्ट। ये आ गया मेरा, मेरी बैच वाली डायरी, प्रोडक्शन स्टार्ट है, बस थोड़ा सा चल के ध्यान देना है। आओ शेरू, आओ आ जा गुड बॉय, आओ नहीं डराएंगे, आओ आ जा लो बिस्किट है, बिस्किट लो, आ जा गुड बॉय चेलू, आ जा। तो भैया यहाँ से हो गया है अपना काम फाइनल, और चलते हैं घर की तरफ। प्रोडक्शन तो हो गया है लगभग ये रखते हैं कुछ सैंपल्स वगैरह, पानी का बॉटल, और चलते हैं घर की तरफ। Good boy. तो फुल टाइम हो गया है शाम का 6:30 और नहा धो के हो गया हूँ फिर से फ्रेश, क्योंकि प्रोडक्शन के बाद नहाने का मस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत मतलब रहती है कि मतलब आपको नहाना है नहीं तो बिना नहाए काम नहीं चलना। तो चलते हैं नीचे, थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं, फिर थोड़ा सा डिनर वगैरह करके फिर इस व्लॉग को एंड करेंगे।
तो जय श्री राम फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डे को। आज दिन है शनिवार और सुबह सुबह 9 बजे निकल गया मैं फार्म हाउस के लिए। वहाँ पे चल के अभी जो कल का प्रोडक्शन 60% हुआ था, आज इसको 100% पूरा करके 12-1 बजे तक मैं भी देखता हूँ, अगर खाली हो जाता हूँ तो आज जल्दी घर वापस आ जाऊँगा। फिर थोड़े से पेपर वर्क ही बाकी रह जाएंगे अकाउंट्स वाले, फिर वो घर पे आराम से बैठ के सिस्टम पे करना है, लेकिन ये प्रोडक्शन वाला काम थोड़ा सा ज़रूरी था तो इसको करते हैं पहले। बाकी चलते हैं, धूप भी अच्छी खासी निकल रही है 3-4 दिन से, कफ वगैरह सब सारा सब कुछ सही है अभी, और ठीक है अभी तो हिसाब किताब काफ़ी सही है। बाकी देखते हैं आगे का आज का क्या सीन है। ये रो आ जा, चलो चलो काम चल रहा है उधर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हम फार्म हाउस पे, काम चालू करा दिया है। आ जा आओ। फ्रेंड्स ये हो गया मेरा यहीं पे काम चालू, थोड़ा सा धूप है बाहर क्योंकि अंदर ऑफिस में ठंड लग रही है। तो यहाँ जब तक उधर प्रोडक्शन चल रहा है तब तक यहाँ वाला काम निपटाते हैं। निकल जा भाई, कहाँ है सिस्टम वाला काम हो गया, चलते हैं कुछ देख के आते हैं प्रोडक्शन वाला काम कितना प्रोसेस हुआ। आज यही है काम। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है 6 बजे के आसपास और निकल गया मैं फार्म हाउस से घर के लिए, और मुझे लग रहा था कि 12-1 बजे तक काम हो जाएगा फाइनल, लेकिन शाम तक हो गया। मुझे लग रहा है कि 95% तक का ही हुआ है काम फाइनल, और अभी 5% अभी भी बच रहा है, लेकिन कल है संडे तो देखता हूँ। काम वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, 5% काम मैं घर पे रह के भी करा लूँगा, तो कोई इशू नहीं, देखते हैं चलते हैं अभी तो घर पे। आज का भी दिन हुआ कंप्लीट, थोड़ा सा मटेरियल वगैरह भी बना और फाइनल ही 5% रह गया है, जो कि बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब हो जाएगा वो आराम से। कोई नहीं चलते हैं घर पर, थोड़ा आराम से फ्रेश व्रेश होते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया मेरा इस हफ्ते पूरे के पूरे, भयंकर वाले एकदम, क्योंकि रीज़न है बिजी शेड्यूल होने का, मार्च क्लोजिंग आ रहा है, फेब स्टार्ट हो गया, जनवरी बीत गया और मार्च आने वाला है, तो क्लोजिंग वगैरह भी कराना है सब, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन कोई नहीं काम है तो करना ही है, तो चलते हैं अभी तो फिलहाल निपटाते हैं आगे का। तो फ्रेंड्स ये आ गया, मैं नहा धो के रेडी बिल्कुल शाम के टाइम, वो टॉल दे दो एक, थोड़ा सा गिर गया है ये सूप, बेड पे सूप गिर गया है, बेड पे क्या ये पैंट पे गिर गया मेरे, बहुत सही, थोड़ा सा टॉवल दे दो दोस्तों, टिश्यू है क्या, ये क्या खा रहे बोलो, सोन पापड़ी, सोन पापड़ी भैया, मेरा तो सूप का टाइम है, सूप पियेंगे पहले, उसके बाद फिर खाऊंगा सोन पापड़ी, सोन पापड़ी रात में खाना खाने के बाद खाऊंगा मैं। सही